He must have this misunderstanding. This is what we are. That is the real understanding. Now, today is International Water Day, 22nd March. See now, water everywhere, no drop to drink. This is English poet. Coleridge says this in his poem. That is our fate now. Water everywhere, while soiling in the ocean, while traveling in a voyage, poet sings like this. Water everywhere, no drop to drink. Now water nowhere, no drop to drink. Water nowhere, no drop to drink. Just now I collected the information, in Karnataka only 1,500 villages are bereft of water. No water in 1,500 villages. If you just go to Maharashtra, Marathwada area, it is highly alarming. Thousands of villages, no water. This year it is highly alarming. We are victim to this self-made, self-committed Himalayan blender of making Prakriti into Vikriti. It is our own aparadha. Humne zulm kiya, humne aparadha kiya, humne is Prakriti ke upar atyachar kiya, manav ne atyachar kiya Prakriti ke upar. Ye iska bhuktan bhog raha hai. जिस शाप इन्होंने किया, जिस पाप इन्होंने किया, इसका परिणाम वही मनुष्य भोग रहा है। भयंकर पाप प्रकृति के खिलाफ, ये घनघोर पापाचरण बंद होना चाहिए। परिणाम स्वरूप क्या है? प्रकृति तो अत्यंत शांत मूर्ति है, वो माता है। प्रकृति तो माता है। माता भूमि पुत्रोयम पृथिव्या, दिस इज द स्टेटमेंट इन अथर्ववेद। अथर्ववेद कहता है भूमि तो माता है, हम इसके सबूत है। ये समझदारी हमारे दादा परदादाओं को थी, वे बहुत अच्छे थे, वे प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन बिताते थे। हम बहुत बड़े साक्षर, बहुत बड़े विज्ञानी, बहुत बड़े तांत्रिक, बहुत एजुकेटेड, व्हाट नॉट, वी हैव ऑल टाइप ऑफ गैजेट्स, सो व्हाट, हमने प्रकृति को बदनाम किया, प्रकृति को विकृति बनाकर छोड़ दिया, यह मानव, आधुनिक मानव, बदनाम क्या है? जल नहीं, जल दूषित है, भूमि दूषित है, वायु दूषित है, करप्ट, पोल्यूटेड, हाईली पोल्यूटेड। दैट इज व्हाट यू से, वी आर एडवांसिंग टेक्नोलॉजिकली, एडवांसिंग साइंटिफिकली, एडवांसिंग व्हाट एडवांसिंग? यू आर लैगिंग बिहाइंड, यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव यार। हमारे ही स्मशान बना रहे हैं पूरे भरत भूमि को, क्या करने वाले हैं? जल नहीं, वायु नहीं, भूमि नहीं, आपके टेक्नोलॉजी से क्या होने वाला है? आपके यंत्र तंत्र से क्या होने वाला है? ये समझदारी नहीं हमको। आसमान में उड़ रहे हैं, वी आर फ्लाइंग एट स्काई, सो इको अवेयरनेस, नो इको अवेयरनेस। मैं वही चिंतन कर रहा हूं सुबह से, आज इंटरनेशनल वाटर डे। वाटर दैट इज कॉल्ड जीवनम इन संस्कृत। जीवनम मींस वाटर, जीवनम मींस अवर लाइफ, इन द सेम टाइम जीवनम मींस वाटर। विदाउट वाटर व्हाट इज योर जीवनम एंड अवर जीवनम?
संस्कृत में जीवन शब्द जो है वह जल के लिए है, जीवनम भुवनम वनम अमरकोश में है, वो जीवन ही नहीं है, जीव धारा ही नहीं है, हम जिएंगे कैसे। मैं अधिकृत रूप से जानता हूं अफ्रीका में ऐसे कुछ देश हैं जहां 11-12 वर्षों से एक बूंद भी आसमान से नहीं गिरा है। सोमालिया, इथियोपिया, सो मेनी कंट्रीज, नो वाटर, हाउ डू दे लिव, कैसे वो जी रहे हैं, भयानक जीवन। ऐसी स्थिति सूर्य के अंदर भारत भूमि के ऊपर है, भारत के क्या होगी दशा। अभी कुछ राज्य ऐसे हैं, आप राजस्थान में जाएं, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में संचार करें तो क्या है, मरुभूमि है, नो वाटर। अब अकाल पड़ रहा है, क्षाम पड़ रहा है, हजारों गांवों में वाटर नहीं है, ऐसी स्थिति बन रही है। इस स्थिति में हमारे लोग कल होली मनाने वाले भी हैं ना, ये क्या होली मनाने वाले आप, ये बंद करो बर्बादी, ये नहीं है। आपको ये जानना चाहिए ये शिव का अर्चन है, ये मनमथ की पूजा नहीं है। बहुत लोगों को ये समझदारी नहीं है। वास्तव में फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन जो होली है वो होली शब्द है, एक राक्षसी का नाम है, नेम ऑफ ए डेविल, हु वाज द डॉटर ऑफ हिरण्यकशिपु, ए डेमोन, ही वांटेड टू किल प्रह्लाद, फादर हिरण्यकशिपु वांटेड टू पनिश हिज सन प्रह्लाद, वन वाज वेरी वेल कल्चर्ड यंग बॉय, सन ऑफ हिरण्यकशिपु कदाचु, फादर ओनली वांट्स टू किल हिज सन बिकॉज सन इज वेरी मच अपोज्ड टू हिम, सो दैट ही यूजेस ए डेमोनिक personality called holy, that demon, lady demon called holy, she is gifted with some boon, anywhere she can enter fire doesn't touch it, that was the boon given to her, usko ek var mila tha usse rakshasi ko, holy ko, wo aag mein kood jaye to bhi uska kuch nahi hota tha। हिरण्यकशिपु ने उसको दिया, उकसाया, मेरे पुत्र को नाश करो, इसलिए व्हाट शी डज, शी टेक्स हिम बाय हैंड एंड एंटर्स टू दैट फायर जस्ट टू बर्न हिम, बट बाय ग्रेस ऑफ श्रीमन नारायण इंस्टेड ऑफ बर्निंग दैट बॉय ही विल सर्वाइव, दिस होली विल बी बर्न्ड इन एशेस। That is the story in our Purana. Holi is not English holy, please understand. It is not holy, H-O. This holy is the name given to a demon, one who destroys good things. So that tomorrow holy means it is the day for destroying bad things, not to ignite bad things. किंतु हमारे बहुत विश्वविद्यालयों के हॉस्टल में भूत नर्तन चलता है, बंद करो ये बर्बादी। सो हैव दिस इको अवेयरनेस, हम प्रकृति की आराधना करेंगे, प्रकृति में विकृति नहीं डालेंगे, कोई बदनामी केमिकल्स वगैरह जो भी है रंग बिरंगे ये नाटक बंद करना है। भारत देश अब तरक्की की ओर चल रहा है, ये राक्षसियों का ये उत्सव मनाने का नहीं है।
हमको योग आराधना करना है. पूर्णिमा इज द फुल मून डे फॉर ऑस्पिशियस एक्टिविटीज. एक्चुअली दिस होली डे इट इज डेडिकेटेड फॉर वर्शिपिंग शिवा. ऑन द सेम डे शिवा बर्न्ड कामा इनटू एशेस बाय हिज तृतीय चक्षु. दैट इज द सिग्निफिकेंस एडेड टू दिस वन. योगी परशिव ने अपने तृतीय विवेक शक्ति से योग शक्ति से काम को राख कर दिया, भस्म कर दिया. इस पवित्र दिन है वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन. आज करके यही कहीं ऐसा जो उसके विरुद्ध इस त्योहार का आचरण होता है. जिस दिन में काम का दहन हो गया, शिव जी ने काम का दहन किया, उस दिन आप काम का संवर्धन कर रहे हो, काम का ही बोलबाला कर रहे हो. ये क्या अन्याय है, ये बंद कर रहा है. इसलिए होली की आचरण का जो है प्रथा वो यहां इस योग विश्वविद्यालय में नहीं. हम शिव की प्रार्थना करेंगे, योग साधना में रत हो जाएंगे. प्रकृति माता की पूजा करके हमारे प्रकृति को शुद्ध करने के लिए हम नतमस्तक होकर प्रार्थना करेंगे. ये सब समझदारी वी हैव टू डेवलप हियर इन दिस यूनिवर्सिटी. दिस इज योगा यूनिवर्सिटी. सो विद दिस इको अवेयरनेस लेट अस अंडरस्टैंड द रियलिटी. टुडे इट इज जल इंटरनेशनली जल डेज. लेट अस ट्राई टू प्रिजर्व वाटर फॉर दैट व्हाट एवर scientific system is there, drip irrigation and all these things we have to bring in, and we have to safeguard our ambience and our nature. Oh.